शर्मा आर प्रकाश टीवी से। आज चंडीगढ़ शहर में पहला एयर प्योरीफायर सिस्टम लगाया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इसे सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट के किनारे पर लगाया गया है, जो अपने 50 मीटर और उससे अधिक दायरे में वायु को शुद्ध करेगा, जलवायु परिवर्तन करेगा। इस शुद्ध वायु के बीच में शहरी नागरिक, हर नागरिक जो है एक सांस ले सकेगा, सुखद सांस ले सकेगा। आज इसका उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने किया। यहां पर सेक्रेटरी एनवायरनमेंट देवेंद्र दलाई भी मौजूद रहे और कंपनी के डायरेक्टर भी मौजूद रहे, जिनके द्वारा इसे ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर स्थापित किया गया है। इसी दौरान एक ऐसी गाड़ी का भी उद्घाटन किया गया जो शहर में लगे पेड़ पौधों और उन पर छाई जो है मिट्टी के कणों को धोएगी, छिड़काव करेगी। उस पानी के छिड़काव से माना जा रहा है कि तापमान में कुछ, हालांकि कुछ ही गिरावट होगी, लेकिन वायु में शुद्धता और बढ़ेगी। अभी ये पहली गाड़ी का उद्घाटन किया गया है। कंपनी और एडवाइज़र और देवेंद्र दलाई सेक्रेटरी एनवायरनमेंट जो है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इन गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मैं अर्थ प्रकाश टीवी से अविनाश शर्मा। आज चंडीगढ़ शहर में सेक्टर 26 स्थित ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट पर शहर का पहला एयर प्योरीफायर सिस्टम लगा है। वो कैसे, कितने चरणों में वायु को शुद्ध करेगा, बरसात के दिनों में, गर्मी में और सर्दी में कैसे अपने सिस्टम में परिवर्तन लाएगा और उससे शहर के नागरिक कैसे शुद्ध वायु में सांस ले सकेंगे, आइए इस बारे में जानते हैं सेक्रेटरी एनवायरनमेंट देवेंद्र दलाई जी से। ये कैसे काम करेगा और इससे शहर को क्या फ़ायदा मिलता है? इसका मैकेनिज्म जो है बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। जनरली टायर जो होता है उसमें फिल्टर लगा रहता है। इसमें हमारा कोई फिल्टर वाला सिस्टम नहीं है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं है। इसमें 500 मीटर के दायरे से हवा को खींच के उसके अंदर एक विस्ट चैम्बर है, विस्ट चैम्बर से जो हैवी पार्टिकल्स एयर में रहता है उसे फिल्टर आउट करने के बाद हवा आउटलेट निकल जाए। और इनलेट और आउटलेट दोनों जगह में हमारा सेंसर लगी हुई है। सेंसर से आपको रियल टाइम बेसिस पे पीएम 2.5, पीएम 10, नॉर्थ स्टॉक उसका डाटा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। सर एक गाड़ी भी चलाई गई है जो शहर में लगे पेड़ पौधों पर जो छिड़काव करके पानी का जो है वायु में जिस करेगी, और तापमान हालांकि कुछ ही जरूर नीचे आने की उम्मीद है। तो आप क्या मानते हैं, ये हमारा राष्ट्र का मिशन है कैच द रेन, जल संरक्षण और जल प्रबंधन का ये कहीं ना कहीं हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं? देखिए, यह इसका मकसद बिल्कुल नहीं है कि टेम्परेचर को डाउन करने के लिए जो हमारा स्प्रिंकलर आज से चला, ये कुछ कुछ सिटी पे चल भी रही है, ऐसी बात नहीं चल रही है। चंडीगढ़ में पहली बार हम ये कर रहे थे। आपको पता होगा चंडीगढ़ में रोड साइड में काफ़ी ग्रीनरी है और जहाँ पे भी ग्रीनरी है वो ट्री कैनोपी के ऊपर डस्ट एक्यूमुलेशन होता है, वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है जो आपके एयर क्वालिटी को ख़राब करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया, ट्रायल बेसिस पे, पायलट बेसिस पे एक गाड़ी आज से चलाना शुरू किया, जिसमें वो कैनोपी वॉश होने से एयर क्वालिटी के ऊपर इसका असर। ये ट्रीटेड वाटर यूज़ किया जा रहा है सर गाड़ी में या नहीं? अभी ट्रायल बेसिस पे हम लोगों ने फ्रेश वाटर यूज़ किए हैं, लेकिन ट्रीटेड वाटर जैसा हमारा सारा एसटीपी अभी रेनोवेशन में है, उसका बीओडी 5 से कम हो जाएगी, जो इवन पीने लायक भी हो जाएगा, जबकि आप उसको हम गार्डन में यूज़ करेंगे वही यूज़ करेंगे। सर एक बड़ा ही ज्वलंत सवाल, अभी भी देखो इसका कोई जो है उत्तर नहीं मिल पा रहा है शहर के नागरिकों को कि पानी का ये जल प्रबंधन क्या है, किस प्रकार का है। अगर ये हम एक तरफ बरसात के पानी को भी संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक शुद्ध जल को जो है सड़कों पर जो है गिरा रहे हैं, कि एक गाड़ी मुझे नहीं लगता काफ़ी है पूरे शहर के लिए, और ज़्यादा आएंगी तो पानी बर्बाद बिल्कुल होगा निश्चित तौर। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, एक गाड़ी सफिशेंट नहीं है इतनी बड़ी सिटी के लिए। हम लोगों ने ये पायलट बेसिस पे चालू किया है और जहाँ तक बर्बादी की बात है, कहीं ना कहीं आपको जो है एक ओवरऑल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। तो ये वाटर का यूज़ है डेफिनेटली, आई विल से दिस इज नॉट मिसयूज, दिस इज यूज ऑफ वाटर फॉर ए बेटर कॉज, फॉर ए ग्रेटर कॉज। Aiming to reduce by 2024 pollution, air pollution by 20-30%. ये उसी ओवरऑल जो स्कीम का हिस्सा है, ये एक पायलट बेसिस पे है और इसके बाद अगर पायलट सक्सेसफुल होगा तो फिर आगे भी इसका और भी प्लान बनाया जाएगा। सर ट्रायल पे चलाया गया तो ट्रायल में कितना सक्सेसफुल होगा? ट्रायल में अभी आप देख सकते हैं इट्स रिड्यूसिंग फ्रॉम पीएम 2.5 फ्रॉम 55 टू 17, व्हिच इज अ यू नो लार्ज अमाउंट। सर इधर कैमरे की तरफ, व्हिच इज क्वाइट इफेक्टिव, ऑलमोस्ट 200% रिडक्शन इन पीएम 2.5। कोई ऐसे लैंडमार्क्स भी रखे गए जहां पर और भी ऐसे वो सर कैमरे की तरफ इसको चलाएंगे, उसके बाद फिर आगे सब प्रेस नीचे कर लो भाई, कैमरे इसको चलाते देख, इसकी इफेक्टिवनेस देखते हुए आगे इसका। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।